हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास सिक्स। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली, सो लेट्स कंटिन्यू। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एंड टूडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर टू इज राइट द अपोजिट ऑफ, यानी हमें इसका अपोजिट राइट करना है। ठीक है, तो अपोजिट कैसे राइट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर चलिए नोटबुक में देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू मैंने ऑलरेडी राइट कर रखा है। जैसे राइट द अपोजिट ऑफ, जैसे प्लस 20 है तो बच्चों अगर हमें इसका अपोजिट लिखना है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिख देना है। उसके बाद सेकेंड है, सेकेंड में हमें माइनस 30 दिया है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्लस 30। ठीक, उसके बाद थर्ड है, थर्ड में बच्चों हमें दिया है माइनस 12, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस 12। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 12। ठीक है, आगे हमें है जीरो दिया है, तो बच्चे जीरो का अपोजिट जीरो ही रहेगा, क्या रहेगा, जीरो। उसके बाद हमें दिया है फिफ्थ, फिफ्थ में प्लस 5, 6 दिया है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस 5, 6। ठीक, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट किया है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री आता है, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, यानी हमें जो हमें इंटीजर्स दिए गए हैं उनको नंबर लाइन पर मार्क करना है। तो कैसे करेंगे देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देखो, नंबर लाइन पर अगर हम किसी भी इंटीजर को नंबर मार्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक नंबर लाइन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी है, तो यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सब बच्चों को मैंने नंबर लाइन के बारे में बता दिया था। तो बच्चों ये क्या है, प्लस 6 है, तो हमें पता है कि प्लस 6 राइट हैंड साइड में होगा जीरो से। तो यहाँ मैं जीरो ले लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ठीक है, तो हमें जहाँ तक हमें 6 मार्क करना है तो मैंने 6 तक लिए हैं। एक और अगर एक्स्ट्रा लेने जाते हैं ले सकते हैं। ठीक है, जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम लेते हैं। लेकिन बच्चों इनके बीच का जो गैप है वह भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पर 6 को यहाँ पर राउंड कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन पर 6 यहाँ पर उपस्थित है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। इसका क्वेश्चन नंबर टू है -4। तो बच्चों फिर से मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ बच्चों इस बार मुझे -4 दिखाना है, तो जीरो मैं इधर ले लेता हूँ, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, -नेगेटिव नंबर होंगे, तो मैं लेता हूँ -1, -2, -3, -4। एक आध एक्स्ट्रा लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं कि -4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मुझे इसको क्या कर देना है, राउंड कर देना है कि यहाँ पर -4 उपस्थित है नंबर लाइन पर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दिखाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, तो 0 नंबर लाइन पर कहाँ पर होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है ना, बिल्कुल बीच में, बीच बिंदु पर होता है। तो यहाँ मैंने 0 ले लिया, यहाँ मैंने एक 1 ले लिया प्लस का, यहाँ -1 ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 0 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो मैंने इसको राउंड कर दिया है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका बच्चों -7। अब -7 तो बच्चे ये किधर होगा, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो मैंने यहाँ 0 लिया, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, -5, -6 और -7। ठीक है, एक आध एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर -7 यहाँ पर है, तो मैंने इसे राउंड कर दिया है, तो नंबर लाइन पर ये शो कर दिया मैंने। उसके बाद जो 5 है 2, अब मुझे नंबर लाइन बनानी है, मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब 2 है बच्चों, तो 0 यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ, यहाँ 2 ले लेता हूँ। एक को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो 2 बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि 2 कहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर नंबर लाइन पर उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 को क्या कर दिया है, राउंड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर किसी भी इंटीजर को शो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पुट ग्रेटर देन और लेस देन साइन इन द बॉक्स, यानी हमें ग्रेटर देन और लेस देन साइन को राइट करना है किसमें, बॉक्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 और -2 है, तो बॉक्स में हमें बताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ को हम जो है साइन का मुंह ओपन कर देंगे, या फिर लेस देन ग्रेटर देन दिखा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 और -3 है, तो जो मैंने आपको बताया था
इससे पिछली वीडियो में कि जो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं वह जीरो से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जीरो क्या है, ग्रेटर है किससे, माइनस थ्री से। तो यहाँ जीरो ग्रेटर देन माइनस थ्री, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है इसका बच्चों, माइनस थ्री और टेन में बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो बच्चों ये टेन क्या है, पॉजिटिव नंबर है और थ्री क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसका मतलब टेन ग्रेटर देन माइनस थ्री। उसके बाद थर्ड है एट और ट्वेल्व। तो बच्चों एट और ट्वेल्व दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो कंपेयर कर लेंगे, एट बड़ा या ट्वेल्व, तो ट्वेल्व बड़ा होता है, तो यानी एट लेस देन हो जाएगा ट्वेल्व से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर है माइनस फिफ्टीन ब्लैंक माइनस ट्वेंटी सिक्स। बच्चों दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, अगर उसमें जो छोटी वाली संख्या होगी दिखने में वह बड़ी होती है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, यहाँ माइनस फिफ्टीन क्या है, बड़ा है, और माइनस ट्वेंटी सिक्स क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसको हम ग्रेटर शो कर देंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फाइव, थ्री और माइनस फाइव। अब आप इसमें खुद बता सकते हैं कौन बड़ा होगा, इसमें कौन बड़ा होगा, थ्री, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है जीरो और सेवन। तो बच्चों दोनों देखो, सेवन पॉजिटिव है और जीरो क्या है, जीरो तो जीरो ही है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जीरो से बड़े पॉजिटिव नंबर होते ही हैं, तो यहाँ पर सेवन बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है सेवन देखें, सेवन है ट्वेल्व और माइनस सिक्सटीन। तो दोनों में बच्चों कौन बड़ा होगा, दोनों में बड़ा होगा ट्वेल्व। ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है बच्चों माइनस सेवन एंड थ्री। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा बच्चों, नेगेटिव नंबर छोटा होगा, तो ये क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर को बड़ा कर देते हैं। उसके बाद आता है बच्चों नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन माइनस एटीन और एटीन। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, इन दोनों में एटीन बड़ा होगा, क्योंकि क्या नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। तो एटीन लेस देन एटीन, माइनस एटीन लेस देन एटीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। जैसे फाइव का फर्स्ट देखें तो बच्चे कह रहा है कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। ठीक है, जैसे हमें माइनस फोर एंड टू दिया है, माइनस फोर एंड टू। तो बच्चों हमें माइनस फोर और टू के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं उनको राइट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बच्चों माइनस फोर और माइनस टू के बीच में कौन होगा, चलिए मैं लिख लेता हूँ। माइनस फोर से हम किधर को चलेंगे, राइट हैंड साइड को चलेंगे। इससे पहले क्या आना चाहिए था, माइनस थ्री, माइनस थ्री से पहले माइनस टू, इससे पहले माइनस वन, इससे पहले जीरो, फिर क्या आता वन, तभी तो आता टू। तो यहाँ पर जो भी माइनस फोर और टू के बीच के नंबर हैं वो क्या हैं, माइनस थ्री। तो लिखेंगे इंटीजर्स बिटवीन, इंटीजर्स बिटवीन माइनस फोर एंड टू इज इक्वल टू क्या क्या होंगे, माइनस थ्री होगा, माइनस टू होगा, माइनस वन होगा, जीरो कोमा वन, ये होंगे ना। तो बहुत ईजी है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है माइनस टू एंड सिक्स। तो बच्चों इनके बीच में क्या क्या आना चाहिए, देखो माइनस टू से पहले माइनस वन आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, फिर सिक्स आएगा। तो इन दोनों के बीच के नंबर ये हैं, तो फिर लिख देंगे इंटीजर्स, इंटीजर्स बिटवीन माइनस टू एंड सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन टू थ्री फोर और फाइव। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमें दिया माइनस नाइन एंड माइनस वन। थर्ड दिया हमें माइनस नाइन एंड माइनस वन। तो इसके बीच में क्या होंगे बच्चों, माइनस नाइन, माइनस नाइन से पहले क्या होगा, माइनस एट, इससे पहले माइनस सेवन, इससे पहले माइनस सिक्स, इससे पहले माइनस फाइव, इससे पहले माइनस फोर, इससे पहले माइनस थ्री, इससे पहले माइनस टू, तभी तो माइनस वन आया होगा। इन दोनों के बीच के नंबर हमें यहाँ पर मिल गए हैं। अब लिख देंगे इंटीजर्स बिटवीन माइनस नाइन एंड माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एट, माइनस सेवन, माइनस सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री और माइनस टू, ये हो जाएंगे। ठीक है,
इजी है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमें दिया है 0 एंड 6, 0 एंड 6, तो 0 एंड 6, तो लिख लो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6, तो बीच में लिख सकते हैं आप, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे जितने भी क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.1 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।